नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दिष्ट धारा जनित्र के बारे में, मतलब डीसी जनित्र के बारे में। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको कह दूं कि इस मेरे वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसको ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट के रूप में मुझे दे। दिष्ट धारा जनित्र, सबसे पहले कि दिष्ट धारा जनित्र होता क्या है, किस काम में आता है और कितने प्रकार का होता है, कैसे ये बना हुआ होता है। तो सबसे पहले अपन दिष्ट धारा जनित्र की परिभाषा को समझते हैं कि जनित्र कैसे कहते किसे हैं। तो वह मशीन वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, उसे जनित्र कहते हैं। हम ये सब जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है और विद्युत ऊर्जा क्या होती है। तो वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, उसे अपन जनित्र कहते हैं। सबसे पहले जनित्र के परिभाषा अपन ने पढ़ ली, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि जनित्र बना हुआ कैसे होता है। तो जनित्र के पार्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जनित्र के निम्न पार्ट होते हैं। एक नंबर अपन लेंगे बॉडी को, जिसे इंग्लिश में योक कहते हैं। बॉडी करती क्या है और किस काम के लिए आती है और किस चीज़ की बनी हुई होती है, ये चीज़ें अपने सबसे मेन जनित्र का जो ऊपरी भाग होता है उसे बॉडी कहते हैं। मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा, उसमें आपको सब चीज़ बता दूंगा कि भाई ये बॉडी होती है, ये आर्मेचर होता है। आज अपन केवल उनकी थ्योरिकल रूप से यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पहली चीज़, बॉडी बनी हुई किसकी होती है? तो दो चीज़ों की बॉडी बनी हुई होती है। नंबर एक, कास्ट आयरन, और नंबर दो स्टील, या अपन इसको कास्ट स्टील भी बोल सकते हैं। कास्ट का मतलब होता है हार्ड स्टील की बनी हुई रहती है। तो कास्ट आयरन की कहाँ पर बनाते हैं और कास्ट स्टील की कहाँ पर बनाते हैं, ये चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई दो धातुओं की बनाई है तो उसका कारण तो होगा ही। कास्ट आयरन सस्ती होती है तो सभी मशीनों को कास्ट आयरन से ही बना लेते, कास्ट स्टील का उपयोग क्यों किया। जो कम मान की मशीनें होती हैं, कम किलोवाट की जो जनित्र होते हैं वो कास्ट आयरन के बने होते हैं उनकी बॉडी, और जो ज़्यादा मान की होती हैं उनको अपन बनाते हैं कास्ट स्टील से। तो दो चीज़ें आ गई कि बॉडी बनी हुई किस चीज़ की रहती है, कास्ट आयरन की और कास्ट स्टील की। कास्ट आयरन की उन मशीनों में लेते हैं जिनका मान कम किलोवाट का होता है, और कास्ट स्टील की उनमें लेते हैं जिनका मान ज़्यादा किलोवाट का होता है। अब आगे अपन चलते हैं कि बॉडी काम किस लिए, जनित्र में लगाते किस लिए हैं। तो उसके भी दो तीन कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि आंतरिक भागों की वो सुरक्षा करती है। जो भी इसके आंतरिक भाग रहते हैं उनकी सुरक्षा करती है। नंबर दो, जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है फील्ड के द्वारा, उनको एक जगह समेटे हुए रखती है, मतलब जनित्र से बाहर नहीं जाने देती है, चुंबकीय क्षेत्र को अंदर ही रखती है। पहला हो गया आंतरिक भागों की सुरक्षा करना, दूसरा हो गया चुंबकीय क्षेत्र को बाहर न निकलने देना, तीसरा नंबर हो गया आंतरिक भागों को ये
पकड़े रहती है, मतलब इसके अंदर पोल्स होते हैं, इंटरपोल होते हैं, जो भी चीज़ें होती है उनको इनके ऊपर लगाया जाता है। तो बॉडी के तीन काम हो गए, सबसे पहला आंतरिक भागों की सुरक्षा करना, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र को बिखरने से बचाना, नंबर तीन आता है आंतरिक भागों को पकड़े हुए रहना। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। नंबर दो आता है आर्मेचर। सबसे पहली चीज यही चीज अपने को ध्यान देनी है कि आर्मेचर बनावा किसका होता है, लगाते क्यों है जनरेटर में, इसके कार्य क्या है। तो अपन सबसे पहले आर्मेचर बनावा किसका होता है इस चीज को डिफेंड करते हैं। तो आर्मेचर बनावा रहता है सिलिकॉन स्टील का, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से बना हुआ रहता है। किस चीज से बना हुआ रहता है? सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से। तो अब इसमें चीज ये उठकर आती है कि अपन इसको सिलिकॉन स्टील का ही क्यों बनाते हैं, दूसरी बात ये उठ के आती है कि इसको लेमिनेटेड पत्तियों का ही क्यों बनाते हैं। तो भाई कुछ ना कुछ कारण है इसीलिए सिलिकॉन स्टील का बनाया, नहीं तो दूसरी धातु का भी बना सकते थे, और बनाया तो सिलिकॉन स्टील का लेकिन लेमिनेटेड पत्तियों से क्यों बनाया। तो सिलिकॉन स्टील का इसलिए लेते हैं कि जो हिस्टेरिसिस हानि होती है, आपने सुना होगा हिस्टेरिसिस हानि होती है, उसका मान सबसे कम सिलिकॉन स्टील में होता है। जो धातु होती है सिलिकॉन स्टील, तो उसमें हिस्टेरिसिस हानि का मान कम होता है, इसलिए अपन इसको बनाते हैं सिलिकॉन स्टील से। आ गया समझ में कि भाई सिलिकॉन स्टील। अब अपन ये याद रख ले भाई आर्मेचर बना हुआ किसका होता है, कि सिलिकॉन स्टील का होता है। थोड़ा सा आगे जाकर ये भी देख लेगा भाई सिलिकॉन स्टील का बनाते क्यों है, तो अपना कभी नहीं भूलेंगे अपन का भाई आर्मेचर किसका, हिस्टेरिसिस हानि को कम करते हैं इसलिए सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। नंबर दो, लेमिनेटेड पत्तियों का क्यों बनाते हैं इसको, तो ये होता है भंवर धारा हानि होती है, जिसको एक एडी करंट भी अपन कहते हैं। आपने नाम सुना होगा एडी करंट, तो उसको निम्बी की भाषा में भंवर धारा हानि कहते हैं। उसको कम करने के लिए अपन लेमिनेटेड पत्तियों से इसको बनाते हैं। तो भाई अपने समझ में आ गया कि सिलिकॉन स्टील का तो इसलिए बनाते हैं कि हिस्टेरिसिस हानि कम हो, लेमिनेटेड इसलिए बनाते हैं कि भंवर धारा हानि कम हो। ये चीज़ तो आ गई कि आर्मेचर बना हुआ किसका होता है, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से बना होता है। अब इसके कार्य क्या क्या है, कि इसको जनरेटर में काम क्यों लेते हैं आर्मेचर को। नंबर एक, आर्मेचर होता है उसके ऊपर वाइंडिंग की भी होती है, और वो ईएमएफ को अपने अंदर से आगे भेज देता है। स्लिप रिंग लगी गई रहेगी तो स्लिप रिंग में भी भेज देगा, कम्यूटेटर लगा हुआ रहेगा तो कम्यूटेटर में आगे भेज देगा। तो सबसे पहला काम था ईएमएफ को भेजने का, और नंबर दो है जो ईएमएफ पैदा होती है वो आर्मेचर में ही होती है, इसलिए अपन आर्मेचर का उपयोग जनरेटर में करते हैं। तो आर्मेचर बना हुआ किसका होता है, और आगे अपन आगे कि आर्मेचर का कार्य क्या है। नंबर तीन, नंबर तीन आता है अपने पास कम्यूटेटर। कि भाई कम्यूटेटर अपन किस लिए लगाते हैं, कार्य क्या है इसका, और ये किस धातु का बना हुआ रहता है। तो कम्यूटेटर रहता है वो हार्ड
ड्रोन तांबे के टुकड़ों से बना हुआ रहता है। किससे बना रहता है कम्यूटेटर? हार्ड ड्रोन तांबे के टुकड़ों से बना हुआ रहता है। इस प्रकार गोल होता है और इसमें छोटे छोटे टुकड़े कम्यूटेटर में लगे हुए रहते हैं। भाई ये चीज़ तो होगी क्या, कम्यूटेटर है वो बना हुआ किसका होता है? हार्ड ड्रोन तांबे के टुकड़ों का। इन टुकड़ों को अपन कहते हैं सेगमेंट। क्या कहते हैं? और हर दो टुकड़ों के बीच में माइका, आपने सुना होगा अभ्रक एक चीज़ आती है, धातु का नाम है अभ्रक। तो इन दो सेगमेंटों के बीच में अभ्रक लगी हुई रहती है। तो कम्यूटेटर बना हुआ किसका रहता है? हार्ड ड्रोन तांबे के टुकड़ों से बना हुआ रहता है। इन टुकड़ों को अपन सेगमेंट कहते हैं। और जो टुकड़े रहते हैं दोनों के बीच में अभ्रक का टुकड़ा अपन लगाते हैं, इसलिए कि दोनों का संपर्क आपस में नहीं हो, क्योंकि अभ्रक होती है वो विद्युत का कुचालक होती है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि भाई कम्यूटेटर बना हुआ किसका रहता है? तो हार्ड ड्रोन तांबे के टुकड़ों का। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई जो हार्ड ड्रोन तांबे के सेगमेंट रहते हैं उनको इंसुलेटेड किस चीज़ से करते हैं? तो दोनों टुकड़ों के बीच में अभ्रक की एक प्लेट लगाई जाती है जो कि दोनों टुकड़ों का आपस में संपर्क नहीं होने देती। अब कम्यूटेटर का कार्य क्या है? ये तो हो गया कि भाई बना हुआ किसका रहता है, कार्य क्या है? तो कम्यूटेटर का कार्य है एसी धारा को डीसी धारा में परिवर्तित करना या बदलना। कम्यूटेटर किस लिए लगाते हैं अपन? एसी धारा को डीसी धारा में बदलने के लिए कम्यूटेटर का उपयोग करते हैं। आगे चलते हैं नंबर 4 की तरफ। ब्रश, ब्रश किस काम के लिए आते हैं, जनरेटर में क्यों लगाए जाते हैं और ये किस चीज के बने हुए रहते हैं? तो ब्रश होते हैं कई धातुओं से बनाए जाते हैं, लेकिन आजकल मुख्यतः कार्बन के उपयोग में लेते हैं। पीतल के भी आते हैं, तांबे के भी आते हैं, लेकिन आजकल जो ज़्यादातर ब्रश अपन काम में ले रहे हैं कार्बन का ले रहे हैं, क्योंकि एक मजबूत धातु होती है। और ब्रश क्या होता है, कम्यूटेटर के ऊपर लगा हुआ रहता है, इसलिए घर्षण होता है, इस कारण से घिसता ज़्यादा है। तो कम वोल्टेज की जो मशीनें होती हैं उनमें तो अपन पीतल का उपयोग में लेते हैं, और ज़्यादा वाट की जो मशीनें होती है उनमें अपन कार्बन का उपयोग में लेते हैं। तो ब्रश बना हुआ किसका रहता है? कार्बन का रहता है। अब अपन इसको लगाते क्यों है मशीन में, जनरेटर में? यह तो है नहीं कि भाई झूठे इसको लगा दिया। तो ब्रश का जो काम होता है वो मशीन के अंदर धारा लेने या मशीन के अंदर धारा को यदि देना है तो अपन ब्रश का उपयोग करते हैं। अब कोई कहता है कि भाई आपने ब्रश लगाया ही क्यों, सीधा तार ही दे देते तो ही अपना धारा तो मशीन के अंदर चली जाती है और ले भी लेते उसको। तो भाई ब्रश इसलिए लेते हैं क्योंकि जो मशीन का आंतरिक भाग होता है कम्यूटेटर, वो तो क्या होता है, घूमता रहता है। तो घूमते हुए भाग पर अपन तार तो चिपका नहीं सकते या पकड़े हुए अपन रह नहीं सकते, और लगाएंगे तो हर एक सेकेंड में वो घिस जाएगा, इसलिए अपन क्या करते हैं उसमें ब्रश लगा देते हैं। तो ब्रश बने हुए किसके होते हैं? कार्बन और पीतल के। और उनका यूज क्या लेते हैं अपन? किसी मशीन में धारा लेने या धारा देने के लिए अपन इसका यूज लेते हैं। नंबर 5 पर अपन चलते हैं, ब्रश होल्डर। ब्रश होल्डर किस धातु का बना हुआ रहता है और अपन इसको यूज में क्यों लेते हैं?
तो सबसे पहले ब्रश होल्डर बने हुए किस धातु के रहते हैं, तो पीतल के ब्रश होल्डर है वो पीतल के बने हुए होते हैं। और यूज किस लिए लेते हैं अपन, ये जो कार्बन ब्रश अपन लगाते हैं मशीन को, ब्रश को पकड़े रखने के लिए, ब्रश होल्डर का प्रयोग करते हैं ब्रश को पकड़े रहने के लिए। इसके अंदर एक स्प्रिंग रहती है जो नियत दबाव से जो ब्रश रहता है उसके ऊपर दबाव बनावे रखती है कि भाई ब्रश ऊपर ना उठे, और जैसे ही मशीन घूमती है नियत दबाव से अलग अलग मशीनों पर अलग अलग दबाव के साथ अपन कार्बन ब्रश को छोड़ते हैं। तो ब्रश होल्डर बने हुए किसके रहते हैं, पीतल के, और यूज में क्या आते हैं, ब्रश होल्डर को सॉरी ब्रश को पकड़े रखने के लिए अपन ब्रश का उपयोग करते हैं। अब आती है अपने आगे जाकर 6 नंबर पर शाफ्ट आती है। शाफ्ट बनी हुई किस चीज से रहती है और उपयोग अपन किस में लेते हैं, तो शाफ्ट जो बनी हुई रहती है वो कास्ट स्टील से बनी हुई रहती है। कास्ट स्टील क्या होता है, एक मजबूत धातु होती है, और वो हाँ अब आगे चल के अपन देखते हैं कि शाफ्ट का अपन यूज किस लिए लेते हैं, भाई मशीन में शाफ्ट क्यों लगाते हैं, तो शाफ्ट इसलिए यूज में लेते हैं कि इसके ऊपर आर्मेचर लगा हुआ रहता है, दूसरा बेरिंग लगे हुए रहते हैं, बेरिंग की सहायता से यह करती है मशीन को घुमाती है। तो शाफ्ट का बनने में किससे, कास्ट स्टील से, और ये क्या करती है, आर्मेचर को घुमाने का काम करती है। और आर्मेचर शाफ्ट के दोनों सिरों पर दो सिरे रहते हैं, एंड प्लेट और स्टार्ट प्लेट, और उनके अंदर बेरिंग लगे हुए रहते हैं। तो अपनी चीज शाफ्ट हो गई। नंबर आगे चलते हैं, 7 नंबर आता है एंड कवर। एंड कवर दो प्रकार से होते हैं, मशीन के दोनों तरफ लगाए जाते हैं। एंड कवर होते हैं वो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील के बने हुए रहते हैं, कास्ट स्टील और कास्ट आयरन। काम क्या करते हैं, मशीन को दोनों तरफ से शाफ्ट को पकड़े रखने का काम करते हैं। नंबर 8 आता है एंड कवर हो गए, इसके बाद आई हुक। आई हुक भी कास्ट आयरन और कास्ट स्टील के बने हुए रहते हैं, और इनका यूज क्या आता है कि मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने के लिए आई हुक का अपन उपयोग लेते हैं। क्या काम है आई हुक का, बनावा किससे रहता है, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से। यूज क्या आता है कि मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने के लिए आई हुक का प्रयोग करते हैं। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं कि डीसी जनरेटर जो होता है वो ईएमएफ को पैदा कैसे करता है, मतलब विद्युत को उत्पन्न कैसे करता है। परिभाषा जो पढ़ ली अपन ने, पार्ट भी पढ़ लिए कि इसमें लगा हुआ क्या क्या चीज़ रहती है। प्रैक्टिकल के दौरान मैं बता भी दूंगा कि ये चीज़ एंड कवर होता है, ये कार्बन ब्रश होता है, ये कम्यूटेटर होता है, ये आर्मेचर होता है। एक आर्मेचर में छोटी सी चीज़ मैं कहना भूल गया था पहले, कि आर्मेचर में छोटे छोटे छेद रहते हैं, वो किस लिए रहते हैं, कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है, छेद को अपन डक्ट्स कहते हैं, और वो किस काम में अपने यूज में आते हैं। तो आर्मेचर में जो छोटे छोटे छेद बने हुए रहते हैं वो आर्मेचर गर्म ना हो इसलिए उसके अंदर हवा का आदान प्रदान करते रहते हैं। अब ईएमएफ कैसे उत्पन्न करता है, इस चीज के ऊपर अपन वापिस आते हैं। जनरेटर बनाने के लिए तीन मौलिक आवश्यकताएं अपने पास होती है कि भाई यदि आपको जनरेटर बनाना है, जैसे अपन ने पहले पढ़ा था कि विद्युत सर्किट बनाना है, तो अपने पास चार चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो विद्युत स्रोत की आवश्यकता होगी,
एक विद्युत चालक तार की आवश्यकता होगी। नंबर तीन स्विच की आवश्यकता होगी। नंबर चार जिसको अपन भार दे रहे हैं तो भार की आवश्यकता होगी। तो उसी तरीके से यदि आपको जनित्र बनाना है तो तीन चीजों की आवश्यकता होगी। नंबर एक, एक नंबर आता है गतिज ऊर्जा। कहने का मतलब है कि उसको घुमाने वाली चीज चाहिए। नंबर दो आता है चुंबकीय क्षेत्र। नंबर तीन आता है चालक। यदि आपको जनित्र बनाना है तो आपको तीन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो गतिज ऊर्जा की, एक चुंबकीय क्षेत्र की, नंबर तीन चालक की। अब एक छोटे से रूम में मैं यहां पे आपको समझाता हूं। जैसे अपन इसको मान ले कि ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, इसके अंदर अपन ने एक चालक रख दिया है। चालक किसको कहते हैं? जो आर्मेचर के अंदर तार रहते हैं, वाइंडिंग रहती है, उनको अपन चालक कहते हैं। नंबर तीन, इसको घुमाने के लिए या तो हाथ से तो आप घुमा नहीं सकते, तो एक मशीन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये गतिज ऊर्जा के लिए आपको घुमाने के लिए एक मशीन चाहिए। तो तीन चीजें हो गई, चुंबकीय क्षेत्र, चालक और गतिज ऊर्जा। अब ये ऊर्जा पैदा, विद्युतीय ऊर्जा है वो पैदा कैसे करता है? तो एक फेराडे नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम दिया। फेराडे ने दो नियम दिए थे, पहले अपन पहले नियम की चर्चा करते हैं। फेराडे नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को घुमाया जाए या उसका जस्ट उल्टा, यदि किसी चालक के पास चुंबकीय क्षेत्र को घुमाया जाए तो उस चालक में ईएमएफ पैदा हो जाती है। कहने का मतलब, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक को रखकर यदि घुमाए तो उसमें चालक में क्या होती है? ईएमएफ पैदा हो जाती है। फेराडे वैज्ञानिक ने ये नियम दिया था। पहला नियम है कि वापिस मैं एक बार बता दूं आपको, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी चालक को घुमाया जाए तो उस चालक में ईएमएफ पैदा हो जाती है। अब वो ईएमएफ पैदा कैसे होती है? अपन ने एक साइकिल के थ्रू मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। अब कोई बंदा कहेगा, भाई आपने तो यहां डीसी जनरेटर लिख रखा है और जो चित्र बना रहे हैं वो एसी साइकिल का बना रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो एक चीज मैं ये बता देता हूं, हमेशा ये चीज पूछी जाती है और कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर ईएमएफ उत्पन्न करता है, अभी अपन ने पढ़ा था कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक को घुमाया जाए तो चालक में ईएमएफ पैदा हो जाती है, तो जो ईएमएफ पैदा होती है वो हमेशा एसी अल्टरनेटिंग करंट ही होती है। कई बार पूछ लेते हैं डीसी जनरेटर में कौन सी ईएमएफ पैदा होती है, तो भाई अंदर तो हमेशा, चाहे वो डीसी जनित्र हो चाहे एसी जनित्र हो, जो सप्लाई आर्मेचर में पैदा होगी वो एसी ही होगी। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कम्यूटेटर, तो जो ये एसी धारा उत्पन्न होती है उसको कम्यूटेटर अपने को बाहर के टर्मिनल में डीसी में परिवर्तन करके दे देता है, इसलिए डीसी जनरेटर के टर्मिनल पर जो वोल्टता आती है वो डीसी हो जाती है। तो हमेशा जो जनित्र में पैदा होगी विद्युत वो हमेशा एसी ही होगी। यदि अपन एक चीज को यहां से शुरू करें, तो किसी चीज को अपन पूरा घुमाते हैं तो एक कोण बनता है, वो कोण बनता है कि भाई जीरो से मैंने स्टार्ट घुमाना किया तो 360 डिग्री में वापस वो चीज घूम के वहीं पे ही आ जाती है। कहने का मतलब है, जैसे मैंने जनित्र को यहाँ से घुमाना स्टार्ट किया तो चार स्थिति इसमें पैदा होती है। नंबर एक 0 डिग्री, नंबर दो
90 डिग्री, नंबर तीन 180 डिग्री, नंबर चार 270 डिग्री, नंबर पाँच 360 डिग्री। मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ जीरो से और 360 डिग्री तक। अब कई बार ये चीज़ भी पूछ लेते हैं कि डीसी जनरेटर अपने उच्चतम वोल्ट तक कितने डिग्री के कोण पर बनाता है। जीरो से स्टार्ट हुआ, वापस आएगा 360 पे, एक चक्कर ख़त्म हो जाएगा, वापस वही चीज़ दूसरी बार भी जीरो से स्टार्ट होगा, 360 पर ख़त्म हो जाएगा। तो डीसी जनरेटर जो चालक में जो ईएमएफ पैदा होती है वो दो स्थितियों में सबसे ज़्यादा होती है। एक तो कितने डिग्री पर होगी, 90 डिग्री पर, दूसरी होगी 270 डिग्री पर। यदि जनरल क्वेश्चन आया कि डीसी जनरेटर अपनी उच्चतम वोल्टता कब या कितने डिग्री पर बनाता है, तो 90 डिग्री पर बनाता है। 90 डिग्री पर कौन सी स्थिति में बनाता है, पॉजिटिव स्थिति में। नेगेटिव स्थिति में सबसे ज़्यादा कितना बनाता है, 270 डिग्री पर। तो एक साइकिल अपना जीरो से स्टार्ट होकर 360 पर ख़त्म होता है और अपने उच्चतम वोल्टता दो डिग्री पर देता है, 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पर। 90 डिग्री पर पॉजिटिव में और 270 नेगेटिव में। तो यहाँ पर अपनी तीन चीज़ें सोल्व होगी। एक तो फेराडे का प्रथम नियम हो गया, नंबर दो अपनी साइकिल की होगी कि भाई उच्चतम कितने डिग्री पर रहता है, न्यूनतम कितने डिग्री पर रहता है, और वोल्टता कौन सी पैदा करता है। कि भाई कोई सा जनरेटर हो, डीसी हो चाहे एसी हो, हमेशा जो उसके अंदर वोल्टता उत्पन्न होगी वो एसी ही होगी। इस फेराडे के वैज्ञानिक के नियम से दो चीज़ें सूत्र बाहर निकल कर आते हैं। E का मतलब होता है EMF बराबर बी एल वी साइन थीटा। दूसरा सूत्र, यदि यह चीज दे हुए है और अपने को EMF पूछे तो ये सूत्र लगाना है, और जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, अपना वोल्ट में, क्योंकि EMF की इकाई होती है वोल्ट। दूसरी चीज है, एक सूत्र और है, E बराबर फाई जेड एन पी अपॉन 60 इंटू ए। फेराडे के वैज्ञानिक के नियम से अपने को दो सूत्र प्राप्त हुए हैं कि उत्पन्न वोल्टता कितनी होगी। भाई वोल्टता तो पैदा कर देगा वो, वैज्ञानिक ने क्या कहा था कि भाई यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को घुमाया जाए तो उसमें ईएमएफ पैदा हो जाएगी, लेकिन ईएमएफ होगी कितनी वो चीज़ अपन इस सूत्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। पहली चीज बी क्या होती है, एल क्या होता है, वी क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है। तो बी होता है फ्लक्स घनत्व, कि इससे कितना अपना फ्लक्स पैदा हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र से कितना फ्लक्स पैदा हो रहा है उसको अपन बी कहते हैं, फ्लक्स घनत्व, और उसको हमेशा अपन वेबर में लेते हैं। बी हो गया। एल, एल का मतलब होता है कि आपने जो आर्मेचर में चालक लिए उनकी लंबाई कितनी थी, तो चालकों की लंबाई होती है वो अपन एल में लेते हैं और इसको हमेशा मीटर में दर्शाते हैं। वी, वी का मतलब होता है कि आर्मेचर को आपने कितनी गति पर घुमाया, वी का मतलब वेग, कितनी गति पर आर्मेचर को घुमाया, और वेग को हमेशा अपन लेते हैं आर पी एम, मतलब एक मिनट में वो कितने राउंड लगा रहा है। अब तीसरी चीज आती है साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है कि चुंबकीय क्षेत्र को चालकों ने कितने डिग्री पर काटा, उसको अपन कहते हैं साइन थीटा। चार चीजें हो गई, बी का मतलब कितना फ्लक्स घनत्व पैदा कर रहा है वेबर में, एल का मतलब चालकों की लंबाई, वी का मतलब चालकों का वेग, साइन थीटा मतलब कितने डिग्री के कोण पर ये काट रहा है। एक सूत्र का ये चीज हो। नंबर दो आती है, चार चीजें ऊपर दी हुई है, फाई जेड एन पी। फाई का मतलब होता है वही फ्लक्स घनत्व वेबर में, जेड का मतलब होता है कि उसने कितने चालक यूज में लिए। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आर्मेचर में स्लॉट होते हैं, स्लॉट मतलब खांचे, यदि हिंदी में कहें तो अपन, एक स्लॉट में कितने तार डाले आपने, क्वेश्चन कई बार
अधिकतर में तो जेड दे देता है कुल का, भाई कुल के इंडक्टर इतने थे, लेकिन कुछ एक प्रश्नों में ये आता है कि एक खांचे में या एक स्लॉट में 20 तार डाले हैं, तो यदि जनरेटर में कुल स्लॉट, सॉरी आर्मेचर में कुल स्लॉट है वो 60 है। अब अपना दिमाग घूम जाता है यार कुल कंडक्टर कितने थे, तो यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो भाई कितने स्लॉट है कि भाई 60 है और एक स्लॉट में कितने हैं 20 है, तो 60 × 20 कुल कंडक्टर है वो आ जाए। तो जेड का मतलब हो गया कुल कंडक्टर। वापिस आते हैं एन पर। एन क्या होता है? एन होता है आर्मेचर किस गति पर घूम रहा है, उसको कहते हैं अपन एन। और एन को अपन लेते हैं आरपीएम, राउंड प्रति मिनट में। पिक का मतलब आपने जनरेटर में कितने पोल लगा रखे हैं, दो लगा रखे हैं, चार लगा रखे हैं, वो आता है पी में। एक का मतलब होता है पैरेलल रास्ते। तो पैरेलल रास्ते आर्मेचर की वाइंडिंग है, जो अपन वाइंडिंग में पढ़ेंगे। आर्मेचर में दो प्रकार की वाइंडिंग करते हैं, एक तो लेप वाइंडिंग करते हैं और एक वेव करते हैं। लेप में हमेशा जितने अपने पैरेलल रास्ते रहते हैं उतने ही, सॉरी जितने स्लॉट रहते हैं उतने ही, सॉरी पोल जितने रहते हैं उतने ही पैरेलल रास्ते रहते हैं, जितने पोल होंगे उतने ही पैरेलल रास्ते होंगे। वेव जो वाइंडिंग होती है उसमें चाहे पोल 20 हो 30 हो, पैरेलल रास्ते हमेशा दो रहते हैं। तो दो चीज़ें होगी, ए अपन किससे, अधिकतर ए दिया हुआ नहीं रहता है, और ये लिख देते हैं जनरेटर लेप वाइंडिंग है या वेव वाइंडिंग है। तो यदि लेप वाइंडिंग रहे और अपने कह देंगे भाई पोलों की संख्या चार है, तो अपने पैरेलल रास्ते भी चार होंगे। और यदि वो कह दे कि वेव वाइंडिंग है और 20 पोल है या 10 पोल है या 8 है या 6 है, तो हमेशा पैरेलल जो रास्ते होते हैं वो वेव वाइंडिंग में दो ही रहते हैं। सूत्र हो गए अपने, फैराडे का नियम हो गया भाई, किस तरीके से जनरेटर ईएमएफ पैदा करता है, कि भाई चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखकर यदि घुमाया जाए तो उसमें ईएमएफ पैदा हो जाती है। और वो ईएमएफ कितनी पैदा होगी वो मैंने यहाँ पर आपको दोनों सूत्र के माध्यम से बता दिया है। दो सूत्र होंगे, ई बराबर बी एल वी साइन थीटा, ई बराबर 5 ZNP / 60 × A। हर चीज़ का मैंने एक एक चीज़ बता दी है कि ये क्या चीज़ होती है, ये क्या चीज़ होती है। अब फैराडे का दूसरा नियम आता है। अब ये दूसरा नियम क्या कहता है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। पहला नियम तो यही कहा था अपने को कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक को घुमाएंगे तो उसमें ईएमएफ पैदा हो जाती है। अब दूसरा नियम यह कहता है कि उस जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। कहने का मतलब है कि जो चालकों में ईएमएफ पैदा होगी, आर्मेचर में जो ईएमएफ पैदा होगी वो कितने होगी, कि उसके पास पास कितना फ्लक्स घनत्व है उसके ऊपर अपनी ईएमएफ निर्भर करती है। तो दो नियम है फैराडे के। प्रथम नियम, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक को घुमाया जाए तो उस चालक में ईएमएफ पैदा हो जाती है। नंबर दो, उत्पन्न ईएमएफ हमेशा फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। आगे चलते हैं। अब इतनी देर अपन ने ये चीज़ पढ़ ली कि भाई जनरेटर में क्या क्या चीज़ लगी हुई रहती है, पार्ट अपन ने पढ़ लिए, किस तरीके से विद्युत पैदा होती है वो अपन ने पढ़ लिया। लेकिन अब कुछ एक में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में अंतर दे देते हैं, क्योंकि अपने पहले तो यही आवश्यकता थी भाई विद्युत चाहिए मेरे को तो। लेकिन आजकल अलग अलग नियम हो गए भैया, किसी कहीं जगह पर अपने को वोल्टेज की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, कहीं पर अपने को गति की ज़्यादा आवश्यकता रहती है, कहीं कहीं जगह करंट की आवश्यकता ज़्यादा रहती है। तो आवश्यकता को देखते हुए डीसी जनरेटर है वो अलग अलग प्रकार से अपन ने बना दिए हैं। नंबर एक आता है परमानेंट, या अपन हिंदी में कहें तो स्थाई चुंबकीय जनरेटर। नंबर दो आता है कृत्रिम
चुंबकीय जनित्र। कृत्रिम चुंबकीय जनित्र आते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्व उत्तेजित नंबर दो आता है पृथक उत्तेजित। स्थायी चुंबकीय जनित्र और कृत्रिम चुंबकीय जनित्र उसमें आगे आता है स्व उत्तेजित और पृथक उत्तेजित। अब स्व उत्तेजित जो जनित्र होते हैं वो भी तीन प्रकार के होते हैं, नंबर एक संट जनित्र, नंबर दो श्रेणी जनित्र नंबर तीन आता है यौगिक जनित्र। ठीक है, स्व उत्तेजित के तीन पार्ट हो गए, नंबर एक सेंट जनित्र, नंबर दो श्रेणी जनित्र और नंबर तीन यौगिक जनित्र। अब यौगिक जनित्र है वो भी अलग अलग दो प्रकार के होते हैं, तो अपन थोड़ा सा यहाँ पर अपने ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि थोड़ा अपन आगे जाकर इस चीज़ को डिवाइडेशन कर लेंगे। सबसे पहले अपन चलते हैं स्थायी चुंबकीय जनित्र पर। दो मेन जो जनित्र होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं, स्थायी और कृत्रिम चुंबकीय जनित्र। अब अपन कहते हैं कि भाई स्थायी अलग कैसे हुआ और चुंबकीय कृत्रिम चुंबकीय जनित्र कैसे हुआ, तो सबसे पहले अपन इन दोनों में डिफरेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो स्थायी चुंबकीय जो जनित्र होता है उसमें क्या होता है, उसकी मेन ये होती है कि जो प्राकृतिक द्वारा अपने चुंबक निकाले थे और यदि वो चुंबक अपन चुंबकीय क्षेत्र की जगह रखें तो वो अपना होता है स्थायी चुंबकीय जनित्र। लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां आ गई, क्योंकि मान लो जनित्र अपन ने बना दिया और मान लो 2 किलोवाट का जनित्र बना दिया, यदि अपने को इससे 2.5 लेने हैं तो अपने को नहीं मिल सकते हैं, 1.5 लेना है तो भी नहीं बन सकते हैं। इसलिए इसमें बहुत सारी कमियां आ गई कि भाई स्थायी चुंबकीय जनित्र जो होता है उससे एक ही तरह की अपन को वोल्टेज या किलोवाट जो भी अपन शक्ति है उसको अपन कहें तो वो प्राप्त होती है। इस कारण से मशीन बना भी ली और अपने काम में भी नहीं आ रही है, इसलिए बहुत पहले इसका प्रचलन बंद हो गया। लेकिन कुछ एक जगह इसका अभी भी उपयोग में आता है, जैसे अपन जनरली यूज में लेते हैं एक मेगर आता है प्रतिरोध मापने के लिए, उसमें जो जनित्र रहता है वो स्थायी चुंबकीय जनित्र ही रहता है। कृत्रिम चुंबकीय क्षेत्र कहने का मतलब होता है कि अपन के द्वारा, वो तो प्रकृति ने बना दिया, कृत्रिम चुंबक उसको कहते हैं जो अपने द्वारा वैज्ञानिकों के द्वारा जो बनाया हुआ चुंबक है या जिसे फील्ड क्षेत्र से बनाया हुआ चुंबकीय जनित्र है उसको अपन कहते हैं कृत्रिम चुंबकीय जनित्र। इसका फायदा ये हुआ कि अपन इसको कोई सी भी स्थिति में यूज में ले सकते हैं, वाट को कम भी कर सकते हैं, शक्ति को ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसलिए अपन कृत्रिम चुंबकीय जनित्र पर आ गए। स्थायी चुंबकीय जनित्र का मैं आपको थोड़ा सा चित्र बता देता हूँ और इसको थोड़ा सा ये कहाँ कहाँ उपयोग आता है उसको मैं बता देता हूँ। स्थायी चुंबकीय जनित्र इसमें दो चुंबकीय पोल होते हैं, बीच में अपना आर्मेचर लगा हुआ रहता है। इसमें एक चीज होती है कि भाई जैसे ही अपन इसमें आर्मेचर को घुमाएंगे तो आर्मेचर में ईएमएफ पैदा हो जाएगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र है वो हमेशा बना हुआ ही रहता है, क्योंकि प्राकृतिक चुंबक इसके अंदर लगा हुआ रहता है। और इसका नुकसान क्या क्या है, फायदे क्या क्या है कि इसका उपयोग आजकल वहीं पे करते हैं जहाँ कम वाट के अपने जनित्र लगे हुए रहते हैं, वहाँ पर अपन स्थायी चुंबक का जनित्र का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मेगर, यदि मेगर का क्वेश्चन आ जावे कि मेगर में कौन सा जनित्र लगा हुआ रहता है, तो स्थायी चुंबकीय जनित्र लगा हुआ रहता है। एक चीज थोड़ी सी मैं और बताना भूल गया था आपको पहले, कि जो जनित्र की क्षमता होती है वो किस में आती है, ये चीज अपने को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अगर नॉर्मली क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि जनित्र की जो क्षमता रेटिंग इंग्लिश में कहे तो वो किस में होती है,
तो जनरेटर की जो क्षमता होती है वो किलो वाट में होती है, शॉर्ट में कहें तो KW में। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। अब अपना स्थायी चुंबकीय जनरेटर पूरा हो गया, इसमें दो स्थायी चुंबक रहते हैं, कोई अलग वाली बात है नहीं, जो पार्ट रहेंगे वो सभी जनरेटरों में काम रहेंगे, कि भाई बॉडी रहेगी, आर्मेचर रहेगा, कम्यूटेटर रहेगा, वो सब चीज़ें हैं वो कॉमन है, चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, शाफ्ट रहेगी, बेरिंग रहेंगे, तो वो चीज़ें अपनी कॉमन है। अब नंबर दो पर अपन चलते हैं, प्राकृतिक चुंबकीय जनित्र पर। प्राकृतिक चुंबकीय जनित्र मैंने जैसे आपको बताया था दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक स्व उत्तेजित, नंबर दो पृथक उत्तेजित। तो पहले अपन पृथक उत्तेजित जनित्र को पढ़ते हैं। पृथक उत्तेजित जनरेटर क्या होता है, किस काम में लेते हैं, यह चीज। पृथक का मतलब हो गया कि अलग से, पृथक का मतलब अलग से। और अपन ने पढ़ा था कि यह कौन सा जनरेटर है, तो यह है कृत्रिम चुंबकीय जनरेटर। कहने का मतलब आर्मेचर तो इसका समान ही रहता है, लेकिन जो फील्ड रहती है, जैसे अपन ने पढ़ा था कि स्थायी चुंबक में कि फील्ड स्थायी मैग्नेट की बनी रहती है, कृत्रिम में कृत्रिम की बनी रहती है। यदि अपन इसके सिंबल की तरफ थोड़ा जाके देखें, जैसे मैं कह दूं भाई ये इसकी फील्ड वाइंडिंग है और ये आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर से जो EMF पैदा होगी वो अपन इसको लोड में दे देते। अब पृथक उत्तेजित और स्व उत्तेजित में मुख्य रूप से दो ही अंतर है। पहला अंतर क्या है कि जो इसकी फील्ड रहती है, स्व उत्तेजित में तो वो खुद का उत्पन्न किए वैसे ही फील्ड में उत्तेजित होती है, लेकिन पृथक उत्तेजित में अलग से जनरेटर लगाकर या बैटरी लगाकर इसको चुंबकीय क्षेत्र में सप्लाई दी जाती है, उसको अपन कहते हैं पृथक उत्तेजित। मतलब ये खुद के ऊपर निर्भर नहीं है, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दूसरे पर निर्भर करता है। सप्लाई किससे देते हैं, DC जनरेटर से भी देते हैं इसके फील्ड को। अब भाई फील्ड को सप्लाई क्यों दे रहे हैं, ये भी आप पूछ सकते हो। तो फील्ड को इसलिए दे रहे हैं कि उसमें फ्लक्स पैदा हो, क्योंकि वैज्ञानिक ने फैराडे ने क्या बताया था अपने को कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर को घुमाया जाए, तो अपने पास भाई कोयल रखने से ये तो हो गया नहीं कि भाई इसमें चुंबक पैदा हो गया, क्योंकि ये तो पृथ जो कृत्रिम चुंबक जनित्र है, तो कृत्रिम में अपने को खुद को पैदा करना पड़ेगा। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं, पहली तो भाई पृथक उत्तेजित जनित्र की फील्ड वाइंडिंग को अपन कौन सी सप्लाई देते हैं। तो सबसे पहले चुंबक बनाने के लिए कोई सा भी जनित्र या कोई सी भी मशीन हो उसमें अपन DC सप्लाई देते हैं। DC कोई पूछ ले भाई AC मोटरें होती हैं उनमें तो AC सप्लाई देते हैं, इसमें DC क्यों देती है। तो AC सप्लाई में क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र रहता है वो बिखरा हुआ रहता है, और DC सप्लाई जैसे अपन सिंबल के रूप से अपन समझते हैं तो AC सप्लाई का सिंबल इस तरीके से रहता है और DC सप्लाई का बिल्कुल सीधा रहता है, क्योंकि AC सप्लाई होती है वो टाइम टाइम पर अपना मान बदलती रहती है, जबकि DC जो सप्लाई होती है उसका मान सदैव समान रहता है, वो कम ज़्यादा नहीं होती। तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन सी सप्लाई देंगे, पहले तो DC, इसलिए अपन ने दो चीज़ें चूज की, एक तो बैटरी DC सप्लाई देती है और एक दूसरी चीज़ होती है जिससे अपन इसको सप्लाई देने की कोशिश करते हैं, उसका नाम है जनित्र। अब इसको सप्लाई कितनी देते हैं, तो अधिकतर जो जनित्र होते हैं पृथक उत्तेजित जनित्र, उनकी फील्ड को 110 वोल्ट सप्लाई से कम दिया जाता है, या अधिकतर 110 वोल्ट सप्लाई दी जाती है। अब जैसे ही अपन पास चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया,
आर्मेचर को अपन इसके अंदर घुमाएंगे तो अपने को यहाँ पर ईएमएफ पैदा होकर मिल जाएगी। ठीक है जो पृथक उत्तेजी जनित्र कहने का मतलब ये स्वयं खुद के द्वारा फ्लक्स पैदा नहीं करता है, इसको दूसरी चीज से सप्लाई दी जाती है, उससे ये ईएमएफ को पैदा करता है। हाँ भाई आगे अपन चलते हैं, इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, पृथक उत्तेजित जनित्र का उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो अधिकतर पृथक उत्तेजित जनित्र होता है उनका अपन उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करते हैं। नंबर दो, कहीं जगह इनका उपयोग बैटरी चार्जिंग के रूप में भी अपन करते हैं। तो पृथक जनित्र अपना हो गया, और जो इसकी फील्ड होती है उसको अपन प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इसकी फील्ड का जो टर्मिनल होते हैं उनको F1 और F2 से प्रदर्शित किया जाता है, जबकि आर्मेचर हमेशा A1 और A2 से प्रदर्शित किया जाता है। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। अब आगे चलते हैं, अब चलते हैं भैया स्व उत्तेजित जनित्र की तरफ। स्व उत्तेजित जनित्र किससे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि स्व उत्तेजित जनित्र होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, संट जनित्र।